ये है DJI का नया ड्रोन। इसका नाम है DJI Neo। इसका दाम है सिर्फ $200। इसका वजन है सिर्फ 135 ग्राम। देखते हैं ये ड्रोन का खासियत क्या है। इस ड्रोन को उड़ाना बहुत आसान है। इसको आप बिना रिमोट कंट्रोल के उड़ा सकते हो, आपका फ़ोन के साथ भी उड़ा सकते हो। अगर आपने रिमोट कंट्रोल उसका लिया है उसके साथ भी उड़ा सकते हो। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इस ड्रोन को बिना रिमोट कंट्रोल के। सिर्फ ड्रोन का जो स्पेशल कीज़ है, यहाँ पे स्पेशल बटन है, उसको यूज़ करके कैसे उड़ाते हैं। तो आप देखिए पहला इसको हम कैसे उड़ाते हैं विदाउट रिमोट कंट्रोल। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, इस ड्रोन को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए आप देखिए यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे पावर बटन है। इसको आपको प्रेस करके लंबा होल्ड करना है। आप देख सकते हैं, एक मिनट में अभी प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लाइट देखिए, 1 2 3 अभी प्रेस करते हैं, प्रेस और लॉन्ग प्रेस। देखिए यहाँ पे लाइट खुल गया और जो प्रोपेलर है थोड़ा मूव हो रहा है, यानी कि चालू हो गया। और आपने अभी DJI का आवाज़ भी सुना। अभी आप देखिए यहाँ पे कुछ लाइट्स ब्लिंक हो रहे हैं और यहाँ पे छोटा सा मेनू है और बटन से यहाँ पे एक इसका मास्टर बटन है यहाँ पे, उसका अलग अलग मोड में जाने के लिए। एक एक करके प्रेस करके देखते हैं ये अलग अलग मोड का क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे अभी ड्रोनी। ये रहा ड्रोनी। सर्कल में जाएगा रॉकेट। स्पॉटलाइट डायरेक्शन ट्रैक एक डायरेक्शन में ट्रैक करेगा। फॉलो करेगा। आप इसको फॉलो करके आपको पीछे आने के लिए आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे आप भागोगे या जॉगिंग करोगे आपके पीछे पीछे आएगा। हम एक एक करके इसका अलग अलग मोड ट्राई करके आपको दिखाते हैं। मोड सेलेक्ट करने के बाद आपको ये बटन लॉन्ग प्रेस करना है। मैं भी देखिए ये करके Spotlight. फिर ये बटन आपको लॉन्ग प्रेस करके उस मोड में जाना है। अभी मैं सबसे पहले ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सर्कल बटन, और उधर जाके पीछे जाके थोड़ा क्लियरेंस देख के सर्कल मोड को इसको फिर दोबारा प्रेस करूँगा, ये मेरे तरफ सर्कल करेगा। चलो देखते हैं Circle. अभी ये मोड मैंने सिलेक्ट किया, अभी मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ। 2 meters में सर्कल करेगा। देखिए अपने आप सर्कल कर रहा है, मुझे देख सकते हैं। सर्कल होने के बाद मेरा हाथ में आके लैंड होगा। अभी सर्कल करके वहाँ पे है, अब देखिए अभी देखिए इधर आप आ गया। अरे आगे आ जाएगा, आगे आके मेरा हाथ में लैंड हो जाएगा। देखिए उसको आप उसके सामने नीचे आप हाथ रख के यहाँ पे लैंड हो जाएगा। देखा आपने, बहुत आसान है। अभी सिलेक्टेड है, लॉन्ग प्रेस करना है। उस तरफ जाएगा। बाय बाय। अभी उधर जाके ये मेरे पास वापस आएगा। आ जाओ। अभी रॉकेट सिलेक्टेड है, रॉकेट। चलो इसका रॉकेट मोड ट्राई करते हैं। रॉकेट पहले ये अपना पोजीशन में जाएगा, फिर रॉकेट की तरफ ऊपर जाएगा। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। 4 meters आसमान में उड़ेगा। 2, 1. अभी ऊपर चला गया। अभी नीचे आ जाएगा अपने आप। अपना पोजीशन में वापस जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। आपने ऑलरेडी देखा मैंने इसका 3 modes ट्राई किया है। आपका सवाल होगा कि इसका जो वीडियो है ये कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। इसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपको DJI का वेबसाइट में मिल जाएगा। लेकिन जो भी मैंने अभी रिकॉर्ड किया ये इसके मेमोरी कार्ड में जाएगा। इसके अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी है 22 GB का। उसको आप USB पोर्ट लगा के PC में या फ़ोन में डाउनलोड करके आपका सोशल जो भी इंस्टाग्राम में फेसबुक में आप अपलोड कर सकते हो। अभी हम ट्राई करते हैं स्पॉटलाइट, यानी ये ट्राइपॉड की तरफ आसमान में
फ्लाई करेगा, ओवर करेगा। चलो सिलेक्टेड है, दबा दीजिए लॉन्ग प्रेस स्पॉटलाइट। ये अभी स्पॉटलाइट, ये मेरे को सेंटर में फ्रेम में रख के देखिए मेरे तरफ घूमेगा। देखिए जैसा मैं घूमूंगा ये मेरा तरफ घूमेगा। ये ऐसा आपको ट्राइपॉड की जैसा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, आपका खुद का फ़ोटो लेना है, आपको ग्रुप फ़ोटो लेना है, आप इसको स्पॉटलाइट में डाल दीजिए, ये हवर करेगा आसमान में। आप आराम से आपका जो भी फ़ोटोज़ है, ग्रुप फ़ोटोज़ है, फ्रेंड के साथ सेल्फी है, जो भी आप ले सकते हो। देखिए ये अभी ट्राइपॉड की तरह खड़ा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। देखिए 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 मेरे तरफ जा रहा है, देखिए मेरे को ट्रैक करके मेरे को सेंटर में रख रहा है। देखिए अभी उसको हम लैंड करते हैं। अभी इसमें बचा है फॉलो मोड, मैं अभी इसको सेट करता हूँ। ड्रोनी हो गया, सर्कल हो गया, रॉकेट हो गया, फॉलो मोड। फॉलो मोड के लिए मैं कैरल के साथ इसको भगाने वाला हूँ, कैरल के पीछे इसको फॉलो करने के लिए भेजने वाला हूँ। कैरल कैरल इधर है, हाय। सो ये अभी मैं सेट कर रहा हूँ फॉलो मोड में, फिर देखते हैं ये कैरल को कैसा फॉलो करता है। देखिए कैरल को कैसा फॉलो कर रहा है। देख आप इसका, आपका जो जॉगिंग वीडियो भी ले सकते हैं। देखिए ये आपको फॉलो करते करते आपके पीछे जाएगा। ये सिर्फ ड्रोन आपको मैंने बताया $200 में मिल रहा है, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लोगे तो आपको $350 में ये आपको मिल जाएगा। ये बैटरी बैटरी पैक, इसमें तीन बैटरी है, एक बैटरी से आप 18 मिनट उड़ा सकते हो। अगर आप 3 मिनट्स में थ्री बैटरी लेने से आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा। और उसके साथ आपको मिल जाएगा ये रिमोट कंट्रोल, ये RC यंत्री है, ये आपको कॉम्बो पैक के साथ आएगा। अगर आप रिमोट कंट्रोल के साथ लोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसको ज़्यादा मैनुअली उड़ा सकते हो, क्योंकि बिना रिमोट कंट्रोल के उड़ाना उसमें कुछ कंडीशंस लिमिटेड है, फ्लाइंग कंडीशंस लिमिटेड। आपको ध्यान रखना होगा ट्रीज़ या बिल्डिंग्स नहीं है आसपास में, नहीं तो टकरा सकता है, क्योंकि उसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस नहीं है। लेकिन आप रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करके उड़ाओगे तो आपको ज़्यादा मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इसको कॉम्बो पैक लिया है, इसको रिमोट कंट्रोल है, और जो मेरा इस RC2 के साथ भी इसको उड़ा सकते हैं। ये DJI का जो फ्लाई ऐप है, जो एप्लीकेशन है, उसमें अपडेट करने के बाद आपको इसमें भी आप उड़ा सकते हो। फिलहाल हम इसमें उड़ाने वाले हैं जो इसके साथ मिला हुआ है। इसके साथ हम इसको पेयर करेंगे ड्रोन को, फिर इसमें नॉर्मल जैसा ड्रोन उड़ाते हैं वैसा इसको फ्लाई करेंगे। मैंने इसका रिमोट अभी कनेक्ट किया है कि आप इसको फ़ोन के इसके साथ आपको तार मिल जाएगा ये Type-C में। मैं इसको ऑन करता हूँ रिमोट कंट्रोल को, सेम मेथड है प्रेस और लॉन्ग प्रेस, जो भी DJI का डिवाइस है उसमें एक ही मेथड होता है, प्रेस करो लॉन्ग प्रेस करो डिवाइस ऑन हो जाएगा। अभी इसमें ऑलरेडी मैंने DJI Fly ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, वो आपको जैसे ही आप ड्रोन लोगे उसके साथ आपको QR कोड मिलेगा, उसमें स्कैन करने से आपको ऐप मिल जाएगा। नॉर्मली वो प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा आपको। मेरा ड्रोन कनेक्ट हो रहा है, सॉरी मैंने ड्रोन को ऑन ही नहीं किया है, भूल गया मैं। इसको ड्रोन को ऑन करते हैं, प्रेस लॉन्ग प्रेस। गर्मी बहुत है यहाँ पे। RC नॉट कनेक्टेड, ओके चलो फिर से कनेक्ट करते हैं। DJI Neo कैमरा व्यू, अभी मैं कनेक्ट हो गया रिमोट के साथ। अभी सब कुछ ट्यूटोरियल जो भी हम बाद में देखेंगे, ओके। हार्डवेयर स्टेटस, चेक स्टेटस, डिवाइस आउट सच एज आरकोड, बैटरी, रिमोट कंट्रोल, ओके, सेटेलाइट, नेक्स्ट। मैं अभी इसका थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, जो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, देखिए अभी स्किप, देखिए अभी या मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ मेरा फ़ोन में अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अभी GPS सेटेलाइट टेकअप परमिटेड, टेकअप करने के लिए अभी परमिशन दे रहा है। ये देखिए
अब इसको दिखाता हूँ मैं आपको, गिम्बल आप देख रहे हैं, गिम्बल इसका मुंह हो रहा है, ओके गिम्बल मुंह हो रहा है। यहाँ पे गिम्बल बटन है और यहाँ पे इसका, अगर आप रिमोट, अगर आपने रिमोट देखा होगा इसका, तो फिर यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। ये फंक्शन बटन है, यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो लेने के लिए बटन से देख सकते हैं। देखो अभी टेकअप हो गया, होम पॉइंट अपडेटेड। देखिए अभी रिमोट में कंट्रोल करने के बाद मैंने इसको टेकअप किया, अभी आवर कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए देखिए देखिए, मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये अपना पोजीशन में लॉक है, देखिए देखिए कहीं नहीं जा रहा है, अपने आप जगह पे खड़ा है। तो मैं अभी इसको, देखिए नॉर्मल जॉयस्टिक है, अप डाउन या फिर आगे या फिर पीछे या फिर लाइट में जाना हो या फिर इसको लेफ्ट में लाना हो, ठीक है, आराम से रिमोट में इसको कर सकते हैं। मैं थोड़ा अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर चला गया। बिना रिमोट कंट्रोल को मैंने आपको दिखाया था कि किसको कैसा उड़ाते हैं, जैसा कि डायरेक्ट इसका जो, इसको जो बटन से इधर, लेकिन अभी मैं इसको सेम फंक्शन रिमोट कंट्रोल में कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें ऑप्शन है एक्टिव ट्रैक, मैं प्रेस कर रहा हूँ, यप एक्टिव ट्रैक मेरे को क्या हुआ, गो, अभी मेरा पीछे आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, यह अभी मेरे को फॉलो कर रहा है, मैं उसको लैंड करता हूँ, बस इसके नीचे हाथ रखना है, ये लैंड हो जाएगा, बहुत आसान है। टेकअप हो रहा है, फिर ये अपना ओम पोजीशन, सुना आपने, ओम पॉइंट अपडेटेड, ये ज़रूरी है, अगर ये कहीं जा रहा है इसको वापस अपना पोजीशन में आने के लिए इसको ओम पॉइंट ज़रूरी है। ये GPS में लॉक करेगा इस पोजीशन को, फिर ये जाएगा जहाँ इसको हम भेजते हैं, फिर जैसे बैटरी इसका ख़त्म होता है ये इस जगह पर वापस आएगा अपने आप, बैटरी ख़त्म होने से पहले। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस नहीं है, आपको ध्यान से इसको ऊपर उड़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कहीं पेड़ों से टकरा ना जाए, ऐसे इसमें गार्ड्स हैं, लेकिन आपको संभाल के रहिए। मैं इसको उस तरफ भेजने वाला हूँ, पहले मैं इसको उस तरफ टर्न करता हूँ, देखिए फिर इसमें रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए इसका वीडियो क्वालिटी कैसा आता है। थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ इसको क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टावर है, ऊपर गया, अभी मैं इसको आगे भेज रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका कैमरा में इसका क्वालिटी कैसे आप चेक कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ, अभी सिर्फ 4 मीटर का हाइट में है इधर, अभी 9 मीटर हाइट में है, 18 मीटर हाइट में है, ये सिर्फ ऊपर जा रहा है। अभी देखिए पूरा पहाड़ को देखिए, 69 मीटर ऊपर में ऊंचाई में है, अभी देखिए इसका फुटेज, ये इतना हाइट काफ़ी है, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, इसको वापस ले रहे हैं, वापस लेके आ रहे हैं। अभी ऊपर ये 63 मीटर ऊंचाई पर ऊपर आसमान में, इसका फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इस माउंटेन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर अभी इसको स्पॉटलाइट में रिकॉर्ड करेंगे, स्पॉटलाइट यानी कि ये अभी स्पॉटलाइट में है। इस माउंटेन को मैं अभी अगर इसका मूव करूँगा तो उस माउंटेन को सेंटर में रख के ये वीडियो लेगा, आप देख सकते हैं, मैं अभी इसका वीडियो ले रहा हूं, फिर मैं अपलोड करूंगा। 63 मीटर ऊपर ये उड़ रहा है, 63 मीटर हाइट में ये उड़ रहा है, और जो सामने वाला पहाड़ है उसको सेंटर में इसने रखा हुआ है। अभी बहुत दूर जा चुका है यहां से मुझसे, 100-200 मीटर से दूर
125, 128, 130 उतना काफ़ी है। हम इसको वापस लाते हैं। वापस लाने के लिए आसान है, आप रिटर्न टू होम प्रेस बटन प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैंने इसका रिटर्न टू होम हाइट सेटअप नहीं किया हुआ है, तो इसको मैं इसे मैन्युअली वापस लेके आ रहा हूँ। इसको मेरे तरफ घुमा रहा हूँ, मेरे तरफ घुमा के इसको घुमा के नीचे इधर है, मैं इस तरफ इसको वापस ले रहा हूँ। धीरे धीरे लैंड हो रहा है। उस तरफ है, मैं इसको नीचे जाके मेरे पास आ रहा हूँ। देखिए इसको मैं पास ला रहा हूँ, ये आगे मेरे पास आ गया। इसको आप रखोगे इसके नीचे, लैंड हो जाएगा, लैंड हो गया। आपने देखा रिमोट कंट्रोल में, या फिर आपने यानी कि इसका जो मोड बटन्स ट्राई करके इसको कैसा उड़ाते हैं आपने देखा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करके इसको कैसा उड़ाते हैं। सबसे पहले आपको इसका मोबाइल में मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते कि मेरा मोबाइल में क्या हो रहा है। एक मिनट, मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो स्टार्टिंग। सबसे पहले आपको वाईफाई ऑन करना पड़ेगा मोबाइल का, उसमें आपको दिखेगा DJI Neo AD41 डिटेक्टेड, यानी इसको कनेक्ट करना है। अब ये कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल से डायरेक्ट ड्रोन को, मोबाइल से डायरेक्ट ड्रोन को कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं अभी मेरा फ़ोन में, देखिए फ़ोन में दिख रहा है, मैं अपने आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी मोबाइल से कनेक्टेड है, मोबाइल से कनेक्टेड है, देख सकते हैं मोबाइल में कनेक्टेड है। अभी मोबाइल से इसको टेकअप करते हैं। अभी मोबाइल बन जाएगा पूरा रिमोट कंट्रोल। गो फ्लाई टेकअप, ये मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है। ये जाएगा अप, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जाएगा अप, ये जाएगा डाउन, देखिए अप एंड डाउन, या फिर लेफ्ट को जाएगा या फिर राइट को जाएगा। अभी मैं इसको बैकवर्ड भेज रहा हूँ, देखिए बैकवर्ड बैकवर्ड जा रहा है, ये फ्रंट, ये लेफ्ट, ये सॉरी ये राइट, ये लेफ्ट, ये अप, ये रोटेट। देखो आप रोटेट कर सकते हैं, ये पार्क में आपको मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए अभी इस तरफ मैं हूँ, थोड़ा डाउन लेके आता हूँ, देखिए डाउन, फिर रोटेट, फिर लेफ्ट को राइट को रोटेट, फिर ऊपर नीचे। अब इसको आराम से मैनुअल कर सकते हैं, आपको इसको रिमोट कंट्रोल के बिना आप उड़ा सकते हैं आराम से। आप इसका ऐप डाउनलोड कीजिए और इसको आराम से उड़ाइए, बहुत आसान है। मैं इसको अपने आप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरे को देखिए एक मिनट, मैंने सिलेक्ट किया मैनुअल कंट्रोल, ये फॉलो ड्रोनी, देखिए सारा ऑप्शन है इसमें, फॉलो ड्रोनी, मैं फॉलो सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट। देखिए अभी मेरे को फॉलो करेगा, देखिए मेरे पास आ रहा है, देखिए मेरे पास आ रहा है, अभी मेरे को फॉलो करेगा ये, देखिए आराम से फॉलो करके। देखिए सिर्फ आप फोन लीजिए अपना, आप जहाँ पे आपको जाना है गार्डन या फिर पार्क, फिर आप दौड़ सकते हैं। देखो मैं भी दौड़ रहा हूँ, देखिए मेरा पीछे ड्रोन दौड़ रहा है, मैं सिर्फ इसको फ़ोन लेके कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं, आपको रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं।
अभी इसका बैटरी लो वार्निंग आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा लैंड कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ और इसको मैं लैंड करूँगा। मैं लैंड कीजिए, लैंड हो रहा है, ठीक है, लैंड हो रहा है, अभी ज़मीन में लैंड हो जाएगा, लैंड हो गया। तो फिर दोस्तों आपने देखा ये $200 का ड्रोन क्या क्या कर सकता है। ये रिमोट कंट्रोल में उड़ सकता है, बिना रिमोट कंट्रोल में उड़ सकता है, और इसमें और एक बात है, ये FPV ड्रोन की तरह भी उड़ सकता है। उसके लिए आपको चाहिए DJI का गॉगल्स पहन के आप इसको आराम से कंट्रोलर के साथ FPV ड्रोन की तरह उड़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास FPV कंट्रोलर नहीं है, गॉगल्स भी नहीं है, मोशन कंट्रोलर भी नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। हाँ, लेकिन जब भी आप फ़ोन को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करते हैं ड्रोन के साथ, ड्रोन का जो भी फ्लाई मोड है, जो ड्रोन के आगे जो बटन प्रेस करके आप सर्कल या ड्रोनी जो भी आप करते हो, उसी तरह उसी को वॉइस कमांड करके यानी फ़ोन से बोल के आप उसको उड़ा सकते हो। चलो मैं उसका डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहला मुझे ड्रोन को फ़ोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे DJI ऐप में जाके इसको ऑपरेट करना है। एक मिनट, में पहला DJI ऐप को खोलता हूँ। ओके, कनेक्ट, ओके, अभी स्टार्ट है। कंट्रोल्स, वॉइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉइस बटन है, वॉइस कंट्रोल दिख रहा है, मेरा फ़ोन में वॉइस कंट्रोल चल रहा है। चेक सेटिंग, ड्रोनी, सर्कल, रिकॉर्डिंग, वेक, अच्छा इसमें सारे फॉलो वॉइस वेक में इसको रन करते हैं। आई डिडंट हियर यू क्लियरली, प्लीज रिपीट योर कमांड। ड्रोनी, सर्कल, सर्कल, ये मेरा फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू था तो मैं इसको एक्टिव नहीं कर पाया, क्योंकि फोन जो मेरा फ़ोन में जो मेरा फ़ोन में जो माइक था वो इसको इस्तेमाल कर रहा था। अभी मेरे को सर्कल कर रहा है, ड्रोनी, ड्रोनी, उस तरफ जा रहा है। जो भी वहाँ पे जो भी आप ड्रोन में प्रेस करके जो उड़ाते हैं तो वॉइस कमांड में उड़ा सकते हैं। ओके, रॉकेट, रॉकेट, ये भी रॉकेट ऊपर जाएगा। देखिए मैंने ड्रोन को टच नहीं किया, बस वॉइस इस्तेमाल करके उसको उड़ा रहा हूँ। फॉलो, फॉलो, यह भी फॉलो करेगा। चलो मैं अपना बाइक लेके यहाँ से निकलता हूँ। मैं बाइक में जा रहा हूँ, मेरे पीछे आप सुन रहे हो उसका आवाज़, मेरे पीछे ड्रोन आ रहा है, उसको टर्न करता हूँ, फिर चलता हूँ। ये सब कुछ सिर्फ वॉइस कमांड में हो रहा है, मैंने ड्रोन को टच ही नहीं किया बिल्कुल। अभी मैं वापस उस तरफ जा रहा हूँ अपना स्पॉट के पास। चलो यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं, मेरा बाइक को यहाँ पे पार्क करता हूँ। मैं देखा अभी ड्रोन मेरा पीछे पीछे आ रहा है, मैंने सिर्फ इसको वॉइस कमांड में उड़ाया था, मेरा फ़ोन में वॉइस कमांड में। अभी इस तरह आके इसको खड़ा कर दिया, फिर मैं DJI ऐप में जाता हूँ।
बस ये सारा आप जो भी मैंने आपको बताया, जो भी आप इसमें प्रेस करके कर सकते हैं वो वॉइस कमांड में कर सकते हैं। वॉइस कमांड देखिए, वॉइस कमांड मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये माइक इस्तेमाल कर रहा है सेम टाइम, तो मैं इसको आपको नहीं दिखा पाया। चलो मैं इसको लैंड करता हूँ मेरे हाथ में। तो फिर दोस्तों ये $200 ड्रोन का सारे फीचर्स मैंने आपको एक एक करके दिखाया। आपको कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको इस ड्रोन को लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल का नाम है पिंटो क्रिएशंस। मेरा चैनल में आपको बहुत सारे ड्रोन शॉट्स और टैलेंट टिप्स का वीडियोस मिलेंगे। इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लंबी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें मेरा सारे वीडियोस के लिंक है। जो टैलेंट में घूमने जाता हूँ, ड्रोन शॉट्स लेता हूँ, आप जाके देखिए, एंजॉय कीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो के बारे में आपके जो भी कमेंट्स है, थॉट्स है, मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।